इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे कुछ बोलूं, ये जान लो कि स्पाइडरमैन 3 और स्पाइडरमैन होमकमिंग इस लिस्ट में 11वें और 12वें नंबर पे रैंक करती हैं। हाँ, तुमने टाइटल और थंबनेल सही पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 मूवीज की ही बात करेंगे। ये तो बस मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा था। वैसे इसको भूलना मत, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जाके तुम इसको भूल भी नहीं पाओगे। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 सोलो सुपर हीरोज मूवीज के बारे में। ध्यान रखना कि आज की इस लिस्ट में हम सोलो सुपर हीरोज की मूवी के बारे में बात करेंगे। तो कमेंट में ये मत कहना कि भाई नंबर 1 पे तो अवेंजर्स एंड गेम है। मैं इस लिस्ट में बस उन सुपर हीरो मूवीज को रख रहा हूँ जिसमें एक सिंगल सुपर हीरो की स्टोरी बताई गई है। आई होप कि तुम लोग आज के इस वीडियो के बारे में समझ गए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में 11th और 12th नंबर पे जो मूवीज आती हैं वो स्पाइडरमैन की मूवीज है, ये पहले ही बता चुका हूँ। हमारी लिस्ट में नंबर 10th पे आती है 2022 में रिलीज हुई मार्वल की वो मूवी जिसके लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। लास्ट ईयर ये मूवी रिलीज हुई थी और इसका क्रेज लोगों पे आज भी दिखता है। ऑनेस्टली बताऊं तो मूवी मुझे सच में अच्छी लगी थी, पर इसमें हम सब ने जितना मल्टीवर्स को एक्सपेक्ट किया था उतना मल्टीवर्स हमें देखने को मिला नहीं। बाकी इस पॉइंट को हटा के मूवी काफी अच्छी थी। इस मूवी को IMDb पे 6.9 की रेटिंग दी हुई है। मई 2022 को रिलीज हुई इस मूवी ने अब तक $955 मिलियन की कमाई की है। हमारी लिस्ट के नंबर 9 पे रैंक करती है DC यूनिवर्स की वो मूवी जिसमें हमें ह्यूमन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट विलन मिला है, द जोकर। गॉथम नाम की एक शांत सिटी में एक दिन एक ऐसा आदमी आ जाता है जिसको लगता है कि दुनिया के सारे लोग झूठे हैं, सब एक दूसरे के सामने बस दिखावा करते हैं। और इसी बात को प्रूव करने के लिए जोकर अलग अलग प्लान्स बनाता है, लोगों को मारना शुरू कर देता है और लोगों को ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है कि लोगों को अपना असली चेहरा दिखाना ही पड़ता है। उसके इन कामों की वजह से शहर में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ जाता है और उस क्राइम को रोकने के लिए बैटमैन को सामने आना पड़ता है। जोकर का कैरेक्टर और बैटमैन जैसा सुपर हीरो तो इस मूवी को अच्छा बनाते ही हैं, लेकिन एक और चीज है जिससे ये मूवी एक ग्रेट मूवी कही जाती है और वो है इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। इस डायरेक्टर का नाम ही काफी है किसी मूवी को चलाने के लिए। 2008 में रिलीज हुई इस मूवी में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक होने के बावजूद भी इस मूवी को सबसे ज्यादा चलाने में जिसका हाथ है वो है जोकर का कैरेक्टर। मैंने भी ये मूवी बैटमैन की वजह से नहीं बल्कि जोकर की वजह से ही देखी थी। 9 IMDb रेटिंग के साथ इस मूवी ने $1 बिलियन की कमाई की है। हमारी अगली मूवी भी DC यूनिवर्स की है, द डार्क नाइट मूवी की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट द डार्क नाइट राइजेस इस लिस्ट पे नंबर 8 पे है। इस मूवी में द डार्क नाइट के आगे की स्टोरी दिखाई गई है। जोकर के जाने के बाद जब गॉथम सिटी के लोग सुख शांति से अपने जीवन को काट रहे होते हैं, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद एक बेक नाम के आतंकवादी को कुछ चुल मचती है और वो आ जाता है गॉथम सिटी को परेशान करने। इसको रोकने के लिए हमारे ब्रूस वेन को एक बार फिर बैटमैन बन के सामने आना पड़ता है। मैंने ये मूवी नहीं देखी तो मुझे इसकी स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। 8.4 की IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी 2012 में रिलीज की गई थी और इसने टोटल कमाई करने में अपनी पहली वाली मूवी को पीछे छोड़ दिया, पर ज्यादा पीछे नहीं। जहां डार्क नाइट ने टोटल $1 बिलियन कमाए, वहीं इस मूवी ने $1.08 बिलियन छापे हैं। नंबर 7 पे जो मूवी आती है वो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। 2019 में जब इस मूवी को रिलीज किया तब ये सुपर हीरो मार्वल की सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन चुकी थी। कैरल नाम की लड़की जो इतनी पावरफुल है कि उसने थैनोस की पूरी शिप अपने एक पंच से ही ब्लास्ट कर दी। अवेंजर्स एंड गेम के बाद इसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कैप्टन मार्वल के आ जाने के बाद थॉर, जिसको मोस्ट पावरफुल अवेंजर कहा जाता था, उसकी पोजीशन रिप्लेस हो गई। लोग वांडा और कैप्टन मार्वल में कंफ्यूज हुआ करते थे कि ज्यादा पावरफुल कौन है। अवेंजर्स एंड गेम से सिर्फ 1 महीने पहले रिलीज होने के बावजूद भी ये मूवी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। मार्च 2019 में रिलीज हुई इस मूवी को IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है। तो ये मूवी अब तक $1.1 बिलियन कमा चुकी है। बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। तो इस लिस्ट के नंबर 6 पे रैंक करती है एक और मार्वल की मूवी, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम अवेंजर्स एंड गेम के करीब 3 महीने बाद आई थी। इस मूवी ने हमें दिखाया था कि कैसे थैनोस से लड़ने के बाद अवेंजर्स जब अर्थ पे सब ठीक कर देते हैं, जो आधी पॉपुलेशन मिट्टी बन चुकी थी उसको वापस ला देते हैं, तब क्या क्या होता है। इस मूवी में मेन फोकस हमारे पीटर पार्कर पे होता है क्योंकि वो भी आधी पॉपुलेशन के साथ मिट्टी बन चुका था और 5 साल बाद वापस आया था, लेकिन इस बार उसको संभालने के लिए टोनी स्टार्क जिंदा नहीं था। ऐसे में टोनी का एक पुराना चिढ़ने वाला बंदा मिस्टीरियो एडिथ को पीटर से हथियाने के चक्कर में रहता है। एडिथ वो चश्मा है जो टोनी की सैटेलाइट और काफी सारी चीजों को हैंडल करता है। टोनी ये चश्मा पीटर के नाम करके चला जाता है। पीटर कैसे खुद को और टोनी की अमानत को मिस्टीरियो से बचाता है, उसके ऊपर ये पूरी मूवी बनी हुई है। मूवी जुलाई 2019 में रिलीज की गई थी। 7.4 IMDb रेटिंग के साथ इस मूवी ने टोटल $1.13 बिलियन की कमाई की है। नंबर 5 पे आती है एक्वामैन। एक्वामैन DC कॉमिक्स से एक सुपर हीरो है जिसके पास वाटर रिलेटेड पावर्स हैं। एक आर्थर नाम का बंदा जो आधा इंसान और आधा एटलांटियन है, उसके पास सुपर पावर है कि वो वाटर क्रिएचर से बातचीत कर सकता है। एक्वामैन का मकसद उसके पूर्वजों के त्रिशूल को पाना और पूरे वाटर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होता है।
इस मूवी में आपको जेसन मोमोआ जो कि ऑब्वियसली एक्वामैन है, एम्बर हर्ड जो हाल ही में अपने पति जॉनी डेप से बहुत बुरी तरह से डिफेमेशन केस हार चुकी हैं, और विलियम डेफो जिनको ज्यादातर लोग ग्रीन गोब्लिन के रोल के लिए जानते हैं देखने को मिलेंगे। बाकी किसका रोल कितना बड़ा है मेरे को नहीं पता, मैं ये सब गूगल से देख के बता रहा हूँ, ये मूवी मैंने नहीं देखी। मूवी रिलीज हुई थी 2018 में 6.8 IMDb रेटिंग के साथ और इस मूवी ने कमाए हैं $1.14 बिलियन। अगर नंबर 4 से नंबर 1 तक की सारी मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की है, जिसमें से नंबर 4 पे कब्जा किया है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर ने। इस मूवी को लेके ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये कोई सोलो सुपर हीरो मूवी नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे सुपर हीरोज जैसे कैप्टन अमेरिका के साथ आयरन मैन, बकी, फैल्कन, ब्लैक पैंथर, वांडा, ब्लैक विडो, हॉकाई और भी कई सारे सुपर हीरोज हैं। लेकिन इस मूवी की स्टोरी कैप्टन अमेरिका के ऊपर ज्यादा फोकस डालती है, इसलिए ये कैप्टन अमेरिका की तीसरी सोलो मूवी है। इस मूवी में ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था और बाद में जाके टीचाला को पूरी एक मूवी मिली। सिविल वॉर में बकी और टोनी स्टार्क के कैरेक्टर का भी एक बड़ा रोल था। मूवी में कैप्टन एक ऐसे इंसान को बचाता है जिसने टोनी के मॉम डैड को मारा था। हाँ, वो बात अलग है कि ये काम बकी ने किसी दूसरे के कंट्रोल में आके किया था। इसी चीज का फायदा एक ज़ेमो नाम का बंदा उठाता है जो कि अवेंजर से बदला लेना चाहता था। सोकोविया से बिलोंग करने वाला एक आम आदमी खुद भी जानता है कि ये चाहकर भी अवेंजर्स का झांट कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि वो सुपर हीरोज हैं। इसलिए उसने वो तरीका आजमाया जो अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों के साथ अपनाया था, डिवाइड एंड रूल। 2016 में रिलीज हुई इस मूवी को 7.8 IMDb रेटिंग के साथ $1.15 बिलियन की कमाई हुई। नंबर 3 पे आती है कैप्टन अमेरिका के जिगरी दोस्त टोनी स्टार्क की आयरन मैन 3। मूवी में स्टोरी दिखाई है एक ऐसे इंसान की जो ह्यूमन पे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है कि उनके जो बॉडी पार्ट्स नहीं हैं वो खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस चीज के साथ एक दिक्कत भी है, अगर इसका दर्द वो इंसान सहन नहीं कर पाया तो वो एक बहुत भयंकर बॉम्ब जैसे फट जाएगा। इस इंसान का मकसद आयरन मैन से बदला लेना, अमेरिका को अपना गुलाम बनाना होता है। आयरन मैन से बदला लेने का रीजन इसका ये नहीं होता कि इसको भी बाकी दुनिया की तरह टोनी स्टार्क से कुछ खास ही खुंदस है, नहीं नहीं नहीं, चिढ़ता ये भी आयरन मैन से है, लेकिन टोनी स्टार्क ने बहुत पहले इसके साथ कुछ किया था जिसका ये बदला अब लेना चाहता है, क्योंकि उस टाइम इसकी टांगे सलामत नहीं थी और अब है। अप्रैल 2017 में रिलीज हुई आयरन मैन 3 को 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है और इसने टोटल $1.22 बिलियन की कमाई की है। नंबर 2 पे मूवी आती है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे पहले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस कराया गया था। उसके बाद 2018 में ब्लैक पैंथर को पूरी मूवी दी। जहाँ तक मुझे याद है, ब्लैक पैंथर के आने से पहले पूरी दुनिया में एक ये चीज फैली हुई थी कि किसी भी ब्लैक सुपर हीरो के ऊपर कोई मूवी कभी हिट हो ही नहीं सकती। लेकिन इस मूवी के आने के बाद इस मूवी ने लोगों की वो बात को काट दिया, क्योंकि ये मूवी हिट ही नहीं हुई बल्कि सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, ये भी इसके लिए छोटे पड़ जाएंगे। इस मूवी के आने के बाद इसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, हालांकि मेरे को पता नहीं है पर तोड़े हैं। इस मूवी में स्टोरी दिखाई है एक ऐसे राजा की जिसके पास एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल किंगडम होता है, वकांडा। वकांडा एक ऐसा किंगडम है जिसके पास वाइब्रेनियम है। वाइब्रेनियम इस दुनिया का सबसे मजबूत धातु है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी हुई है। क्योंकि ये मूवी राजा और राजघराने के ऊपर बनाई गई है तो जाहिर सी बात है कि राजगद्दी को लेके झगड़े तो होने ही है, और इसी पॉइंट को लेके स्टोरी लिखी है इसके विलन के ऊपर, किलमोंगर। किलमोंगर जो बेसिकली इस मूवी में किंग टीचाला का भाई है, काफी साल बाद वापस आता है वकांडा में। वापस आके वो वकांडा में सबको बताता है कि कैसे टीचाला के डैड ने किलमोंगर के डैड को मारा, और वकांडा का असली राजा टीचाला नहीं बल्कि किलमोंगर है। इसी चीज को लेके टीचाला किलमोंगर को चैलेंज कर देता है जो उनका रिचुअल है किंग बनने के लिए उसमें, और बदकिस्मती से टीचाला कहीं गुम हो जाता है उसी फाइट के बीच। टीचाला के जाने के बाद अब जाहिर सी बात है किलमोंगर को वहां का राजा बनाया जाता है, और किलमोंगर वहां का राजा बनने के बाद क्या क्या करता है वो तो हम सब ने देख रखा है। मूवी फरवरी 2018 में आई थी 7.3 IMDb रेटिंग के साथ और इसने टोटल $1.3 बिलियन की कमाई की है। नंबर 1 पे वो मूवी आती है जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, स्पाइडरमैन नो वे होम। ये एक ऐसी मूवी है जिसने हम सबको जम के डिसअपॉइंट किया। मतलब क्या जरूरत थी मूवी रिलीज करने की? हाँ नहीं, मूवी अच्छी थी यार, बिल्कुल मूवी अच्छी थी, लेकिन रिलीज नहीं करनी थी, 2-3 ट्रेलर और दे देने थे। छुपाया ही क्या था तुमने मूवी के बारे में? सब कुछ तो लीक कर दिया, सब कुछ बता दिया अपने ट्रेलर में। जो हद मार के बात रह गई 3 स्पाइडरमैन की, तो वो तो हमें वैसे ही पता था, जब सारे के सारे विलन्स आ रहे हैं तो सारे के सारे स्पाइडरमैन भी आएंगे ही आएंगे। अगर बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब पीटर पार्कर की रियलिटी कि वो स्पाइडरमैन है
ये पूरी दुनिया के सामने आ जाती है, तो पीटर को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली उस आम आदमी की लाइफ अब आम आदमी की लाइफ नहीं रहती, क्योंकि वो एक सुपर हीरो है जिसको ज्यादातर लोग ऐसे समझते हैं कि उसने उनका कुछ बुराई किया है, पता नहीं क्या उखाड़ के भागा उनका, तो लोग उससे नफरत करने लगते हैं और उसकी जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी बिगड़ने लग जाती हैं। लेकिन क्योंकि पीटर अपने सुपर हीरोज का दोस्त है, उनके साथ काम कर चुका है, तो पीटर के पास एक एडवांटेज होता है। वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उनसे जाके एक फरमाइश करता है कि प्लीज आप ऐसा कुछ करें कि पूरी दुनिया मेरी पहचान ही भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और उसकी इस बात को लेके अपना डॉक्टर स्ट्रेंज, बड़े दिल वाला आदमी, वो कुछ ना कुछ करता भी है। पर क्योंकि पीटर एक बच्चा है, वो बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को बीच में टोकता रहता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू एकदम उल्टा काम करता है। और जहां वो इस दुनिया में लोगों को ये भुलाना चाहता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वहीं पूरी दुनिया एक साथ जुड़ जाती है। पूरी दुनिया नहीं, काफी सारी दुनियाएं। और इसी वजह से काफी सारी अलग अलग दुनियाओं के जो मॉन्स्टर होते हैं, जो पीछे पड़े होते हैं पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के ऊपर, वो आके इस पे हमला कर देते हैं और इसकी दुनिया बर्बाद करना चालू कर देते हैं। और क्योंकि विलन्स हर तरह से आए हैं, तो सुपर हीरोज को भी हर जगह से आना ही होगा। और इसी चीज को लेके बनाई गई है ये मूवी। मूवी रिलीज हुई थी दिसंबर 2021 में। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। और क्योंकि इसका क्रेज बहुत ज्यादा था इसके रिलीज होने से पहले, क्योंकि सबको पता है क्या क्या होने वाला था मूवी में, तो क्रेज तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा ही। इसीलिए इस मूवी ने $1.9 बिलियन की कमाई की है। वैसे देखा जाए तो मूवी अच्छी थी, ऐसे बुराई नहीं करनी चाहिए किसी मूवी की, फिर भी काफी अच्छी थी मूवी। सो ओके गाइज, यही थी हमारी टॉप 10 सोलो सुपर हीरो मूवीज की लिस्ट। तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट करना कि मैं इस मूवी इस लिस्ट में क्या क्या मिस कर रहा हूँ। जो मूवी मैंने मिस कर दी तुम उस पर कमेंट कर सकते हो, हो सकता है मैंने कुछ मिस कर भी दिया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो किस पे चाहिए तुम कमेंट करके बता सकते हो।